जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी एसएससी या कोई भी दूसरे एग्जाम्स के लिए। आज हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट। आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट में हमने नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना सिखाया था कि अगर कुछ व्यक्तियों का क्रम दी हाइट दी हो, वजन दिया हो या उनकी आयु दी हो, तो उनके क्रम दिए होंगे तो कैसे आपको उन्हें बिठाना है और आंसर फाइंड करना है। आज हमारा मेनली फोकस होगा रैंकिंग पे। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि एक लाइन में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं दाएं बाएं साइड से, सो उस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे बेसिक्स और कंसेप्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए। सो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले मैं अगर ये लाइन खींच दूं आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन लेफ्ट है और कौन सी लाइन राइट है, मतलब कौन सी साइड। सो ये है आपका लेफ्ट साइड और ये है आपकी राइट साइड। काफी इजी है, ये बात सबको ही पता होगी। आप जेन्युइन भी अगर देखेंगे जनरली अपने हाथों को, तो आपका लेफ्ट साइड ये जाएगा और आपका राइट साइड ये जाएगा। अगर बोलेगा लेफ्ट टू राइट, तो फिर आप इस तरफ जाएंगे लेफ्ट टू राइट। अगर बोलेगा राइट टू लेफ्ट, तो फिर आप इस तरफ जाएंगे। इसमें भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि काफी इजी सी बात है। देखिए, अगर आपको वो बता दे कि जो लोगों की संख्याएं हैं क्रम में वो साउथ की तरफ देख रही हैं, सपोज आपको बोल दे पांच लड़के हैं 1 2 3 4 5 और वो सभी साउथ की तरफ देख रहे हैं, तब आपका जो लेफ्ट है राइट है वो चेंज हो जाएगा। सो इसे तो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपका डायरेक्शन चैप्टर में बताया है, या फिर जब इसका पार्ट थर्ड या फोर्थ पार्ट आएगा जहां जरूरत पड़ेगी तब आपको वहां बताएंगे। इस चैप्टर में आपको जनरली ये वाला लेफ्ट इसकी जरूरत पड़ेगी और ये वाले राइट की, ठीक है। जब भी आपको बताया नहीं जाए ना कौन से साइड देख रहा है, तो फिर इसे ही हम मान के चलते हैं, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि वो ऊपर की तरफ देख रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पे इस लाइन में आप देख सकते हैं डायग्राम में 7 लोग हैं। मैं यहाँ पे सबको ABCD नंबर दे देता हूँ, A B C D E F G। मैं आपको बोलता हूं जो D है ना वो बाएं से कौन से नंबर पे है, आप बताइए। लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करिए, मुझे बताइए कौन से नंबर पे है। सो ये आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे है। अब मैं पूछूंगा कि जो D है वो राइट साइड से कौन से नंबर पे, अगर मैं राइट साइड से गिनने जाऊं सो कौन से नंबर पे बनेगा, ये हमारा बनेगा फोर्थ नंबर पे। सो आप देखेंगे कि डी जो है वो लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे बन रहा है, राइट साइड से फोर्थ नंबर पे बन रहा है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, या फिर आप कहिए टोटल आदमी कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे 4 + 4 = 8। तो मैं बोलूंगा काउंट करके देख लीजिए आपके क्या 8 हैं। सो आप बोलेंगे नहीं यहाँ तो केवल 7 हैं, मगर यहाँ पे मेरा 8 आया, तो मुझे इस 8 से अब एक माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं 7 ले सकूं। अब माइनस क्यों किया, देखिए जब मैंने डी अल्फाबेट को काउंट किया था ना लेफ्ट साइड से, तो 4 और राइट साइड से भी 4, मैंने इसको 2 बार काउंट कर लिया था। आप ध्यान से देखिए, मैंने लेफ्ट साइड से भी काउंट कर लिया, मैंने राइट साइड से भी काउंट कर लिया, तो मैंने टोटल कितने बार काउंट किया, 2 बार। सो इसी वजह से 1 बार एक्स्ट्रा आ गया था। सो मैंने इसी वजह से ये 1 को माइनस किया और मेरा सही आंसर आया 7। और देखिए क्या होता है ना कि आप जब किसी बुक में देखेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को, वहां पर ट्रिक लिख के दे देंगे n + m - 1, इस तरीके से कुछ लिख के दे देंगे, या फिर लिख देंगे दोनों को ऐड करो -1 करो, ट्रिक लिख देंगे। तो आप ट्रिक पे मत जाइएगा, आप ट्रिक पे मत जाइएगा, ठीक है, आप जाइए कंसेप्ट पे। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए, देखिए होता क्या है ना कि अगर आप ट्रिक से करेंगे तो आपको ट्रिक लाइफ टाइम याद भी रखना पड़ेगा, जब तक एग्जाम दे रहे हैं तब तक तो करना ही पड़ेगा।
बार बार पढ़ना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन मतलब अगर जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो वहीं पे आपका जो ये ट्रिक है वो काम नहीं आएगा, उसमें फिर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। बेटर है कि आप कंसेप्ट के साथ चलें, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर एक बार आपने याद कर लिया, आपको जब तक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखूं, टोटल आदमी कितने दिख रहे हैं हमको, 6। मैं ये बोलता हूँ इस साइड से थर्ड नंबर पे है, और अब मैं पूछूंगा, मैंने आपसे कहा जो अल्फाबेट जो थर्ड नंबर वाला व्यक्ति है, मैंने सभी को नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट साइड से ये थर्ड नंबर पे है, तो राइट साइड से, अगर लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे है तो राइट साइड से कौन से नंबर पे होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब टोटल कितने नंबर लोग हैं, 6। तो 6 में से आप 3 घटा दीजिए, 3, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, 4। ये आपका सही आंसर होगा। अब ऐसा क्यों हुआ थोड़ा समझिए, ये व्यक्ति इस साइड से थर्ड नंबर पे है तो इस साइड से कौन से नंबर पे होगा, काउंट करिए, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे हुआ ना, और तभी तो सेम पर्सन आएगा ना, क्योंकि देखिए 4 और 3 7, और एक एक्स्ट्रा काउंट हुआ है इसमें। तो जब लेफ्ट साइड से 3 नंबर पे था तो राइट साइड से एक नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर होना चाहिए जब 3 और 4 को जोड़े तो 7 बने, क्योंकि तभी टोटल 6 हैं। आप एक ही पोजीशन को, जैसे कि देखिए ये आप लाइन, ये नंबर आप देख रहे हैं, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इस साइड से मान के चलिए कि 10वें नंबर पे है, इस साइड से अगर 10वें नंबर पे है और टोटल जो है 20 है, तो इस साइड से उसका वो नंबर होगा जिसको 10 में जोड़ने पर टोटल 21 बने। क्यों? क्योंकि हमने इस पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार ऊपर से लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। सो मैं 10 में क्या जोड़ू के 21 आए, 11। सो इसकी क्या पोजीशन होगी, 11। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सेम नंबर का है, 10 और 11 21, सो 21 में से घटाएंगे 20 तो टोटल होगा 20, क्योंकि मैंने इसको 2 साइड से काउंट कर लिया। आप इसी को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको एक और तरीके से बताता हूँ, आप कंसेप्ट याद रखिए, जो आपको सही लगे आप उससे कर लीजिएगा। टोटल कितने हैं, 20। अगर लेफ्ट साइड से 10वां नंबर है तो राइट साइड से नंबर बताइए। सो ये बिगिनिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये लास्ट है पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इस साइड से अगर मैं इस पोजीशन को काउंट करूं तो कितने बन रहे हैं, 10, क्योंकि 10th नंबर पे है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं या टोटल कितने व्यक्ति हैं, 20। सो इसको छोड़ करके इधर कितने होंगे, इधर भी 10 होंगे। देखिए इधर अगर 10 है तो इधर भी 10 होंगे, एक छोड़कर, मैंने इस बार इस वाले को लिया नहीं है। अगर टोटल 20 है, यहां से काउंट करने पे ये 10 आ रहा है, तो इधर भी 10 ही होगा, 10 10 20। सो इस साइड से अगर ये वाला पोजीशन गिनेंगे तो 20 और एक अगला नंबर 21 होगा। ठीक है, और मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो जरा एक बार ध्यान से इसको देखिए, टोटल कितने लोग खड़े हैं इस लाइन में, 7। मैंने पूछा कि जो व्यक्ति तीसरे नंबर पे है लेफ्ट साइड से, वो राइट साइड से कौन से नंबर पे होगा, और टोटल कितने हैं, 7। तो अगर इस साइड से थर्ड नंबर पे है तो इसको छोड़ करके इधर कितने बचे, 3 और 4 7। सो अगर आपको ये वाली पोजीशन राइट साइड से गिननी है तो कौन से नंबर पे होगा, 5। देखिए 5 और 3 8, टोटल 7 हैं, तो सेम पोजीशन को दोनों साइड से गिनने पर टोटल से एक एक्स्ट्रा आना चाहिए, हो गया। देखिए अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी ये कर चुके, मतलब ये आता है या समझ में आ गया, तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए और अपना डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि अब टाइम आ गया है हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसे। अब सबसे पहले तो आप अगर वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं,
एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आप चाहें तो लाइन को इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें ये वाला हिस्सा ऊपर है और ये वाला नीचे। इसमें तो खैर कोई डाउट है नहीं, लेकिन जनरली क्या करेंगे कि हम इस तरीके से बना के चलेंगे, क्योंकि अगर आप उस तरीके से, आपको जगह वगैरह में भी दिक्कत होगी, है ना। स्पेशली मुझे तो होगी यहाँ पे। सो मैं ऐसे लेके चलता हूँ। और रैंक कैसे स्टार्ट होती है? यहाँ फर्स्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट। सो मैं इसको मानूंगा ऊपर, यानी जिसकी अच्छी रैंक होगी। इसको मैं मानूंगा नीचे, जिसकी खराब रैंक होगी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यानी कि जो सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, यानी ये जो पोजीशन है ये 7 है, जब मैं इस साइड से काउंट करूंगा तो किसकी? सोहन की। ठीक है, जब मैं ऊपर से यानी कि फर्स्ट रैंक साइड से काउंट करूंगा तो ये 7वें नंबर पे है, और जब मैं नीचे से काउंट करूंगा तो वो 26वें पे है। कौन? कोई और लड़का या सोहन? सोहन। सो यानी ये जो पोजीशन है यही सोहन की 7 भी है, यही 26 भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि 7 तब होगी जब हम ऊपर से काउंट करेंगे और 26 तब होगी जब हम नीचे से काउंट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सो अब आप बताइए टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है, मैंने बताया था अभी अभी, कि सेम पोजीशन को जब दो बार काउंट किया जाए, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, या फिर एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, तो जो टोटल होता है वो होता है आपका 26 प्लस 7। दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा देंगे तो हमको मिलेगा 7 6 13, यानी कि 33। 33 में से एक गया 32, तो आपका जो टोटल विद्यार्थी है वो कितना हो गया? 32। आसान था ये काफी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अब देखिए, दोनों छोर का मतलब हो गया, जब आप इस साइड से काउंट करेंगे तो भी 11वें नंबर पे है, और इस साइड से काउंट करेंगे तो तब भी वो 11वें नंबर पे है। तो अब आप काफी आसानी से बता देंगे कि टोटल लड़कियां कितनी है लाइन में, ठीक है, क्योंकि 11 और 11 क्या होता है, 11 प्लस 11 होता है 22। मगर हमने इसी पोजीशन को दो बार काउंट कर लिया, एक बार लेफ्ट साइड से भी, एक बार राइट साइड से भी। सो 22 में से एक गया 21। सो टोटल लड़कियों की संख्या है 21। अगला प्रश्न, आप खुद से भी एक बार वीडियो को ट्राई करिए, अदरवाइज फिर क्या है कि अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाइए। एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है और नीचे से 28वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, कार्तिक ही है इकलौता, ऊपर से गिनेंगे तो 17वां, नीचे से गिनेंगे तो 28वां। सो एक ही पोजीशन को दो नंबर दो तरीके से बता रखा है, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। सो टोटल पूछा है तो अगेन आप 47 28 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 45। 45 में से एक माइनस करेंगे 44, तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। अगला देखिए, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति, पीछे से 10वां व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? मतलब बोल रहा है कि यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति, पीछे से 10वां व्यक्ति है, यानी एक ही व्यक्ति है, जब आप उसको आगे से काउंट करेंगे तो 7th पोजीशन पे है, और जब आप पीछे से काउंट करेंगे तो वो आपका 10वें नंबर पे है। सो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आसान है, हमने 3 क्वेश्चन ऊपर ऐसे ही किए हैं, तो इसको आप खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है, ये आप करिए। आगे देखिए क्या लिख रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति के दोनों छोर से सारिका का स्थान 19वां है, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? आप समझिए कि एक पंक्ति बता रखी है और उसमें आपको सारिका का स्थान दे रखा है 19वां। कौन से साइड से? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? तो बोला जा रहा है कि किसी भी साइड से, आप जिस साइड से भी हो वहां पे आप 19वें नंबर पे ही पाओगे सारिका को। तो कितनी टोटल लड़कियां हैं लाइन में? अब ये भी आप काफी आसानी से कर लेंगे। आगे चलते हैं।
अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, अब जो है वो क्वेश्चन का एक थोड़ा टाइप चेंज हो गया है। यहाँ पे थोड़ा और अच्छा, उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ बोल रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है और बी दाएं से 5वें स्थान पर है। देखिए, पहले हम इसमें लेके चलते हैं, बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है। अब बायां साइड कौन सा होता है? ये वाला। मैं मान लेता हूं कि इस पोजीशन पे ए है और इसका जो पोजीशन है वो है 9th, और बी दाएं से 5वें स्थान पे है, यानी मैं इस साइड से काउंट करने जाऊंगा बी को। इसका पोजीशन बनेगा 5वां। अब देखिए, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे बोल रहा है, यदि ए तथा बी अपने स्थानों की परस्पर अदला बदली कर लें तो ए बाएं से 18वें स्थान पे हो जाता है। देखिए, जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप एक ही लाइन में बनाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दूसरा लाइन ले लेता हूँ। देखिए, पोजीशन यही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मतलब मान लीजिए कि आप किसी मान लीजिए थिएटर में जो सीटें होती हैं उनका पर्टिकुलर नंबर होता है। मान लीजिए कि इस साइड से 9वें नंबर की सीट पर ए बैठा है, इस साइड से 5वें नंबर की सीट पर बी बैठा है। अब क्या हुआ, दोनों ने अपने स्थान चेंज कर लिए, यानी बी जो है वो यहाँ आ गया और ए जो है वो इस साइड चला गया। लेकिन सीटों का नंबर वही है, इस साइड से काउंट करेंगे तो 9वां, इस साइड से काउंट करेंगे तो 5वां। आगे बोल रहा है, तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। अब ए कहाँ पे है? अब ए आ गया जहां पर बी पहले था। ये स्थान कौन सा है? 18वां। लेकिन कहां से 18वां, बाएं से या दाएं से? बाएं से। देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में बाएं से 18वां। देखिए, ये जो ऊपर दिया हुआ था कि बी जहां पे पहले था वो दाएं से 5वां है, अब क्योंकि दोनों ने सीट चेंज कर ली है और ए बी की जगह पे आ गया है, और इसको अगर आप शुरू से काउंट बाएं साइड से काउंट करेंगे तो 18वां होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीट वही है जब आप राइट साइड से गिन रहे थे, तो 5वें नंबर पे आ रहा था, लेकिन जब आपने उसको लेफ्ट साइड से गिनना शुरू कर दिया तो वो 18वें नंबर पे आ रहा है। तो बी दाएं से किस स्थान पर होगा? बी दाएं से कौन से स्थान पे होगा, ये वाला आपका पूछा है। तो सबसे पहले तो देखिए, अब मैं क्या करता हूं, एक लाइन मिटा देता हूं, मैं ये वाला मिटा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये अब देखिए, टोटल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइन में टोटल कितने हैं। टोटल कितने हैं? टोटल है आपका 18 प्लस 5, उस जो भी आएगा 23, 18 5 23, 23 में से क्या 22, टोटल कितने हो गए? 22। ये तो हमने निकाल लिया। और अभी तक हमने ये सीखा है कि सेम पोजीशन में जब दो लोग हों लेफ्ट राइट से, उसमें टोटल नंबर ऑफ कैसे निकाला जाए। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि अभी तक हमने सिर्फ टोटल निकाल करके छोड़ देते थे, इसमें अदला बदली वाला कंसेप्ट भी आ गया। लेकिन आगे पूछा है कि बी दाएं से किस स्थान पर होगा, यानी बी कहाँ पे है? अब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 22। जब इस साइड से काउंट किया था तो ये 9वां नंबर था, तो इसी को जब मैं दाएं साइड से काउंट करूंगा, क्योंकि बोल रहा है बी दाएं से, सो मैं दाएं से काउंट करूंगा तो कौन सा स्थान होगा? ये वो स्थान होना चाहिए जिसमें 9वें में क्या जोड़ूं कि मेरा 23 आ जाए, क्योंकि टोटल 22 है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए, यहां से यहां तक टोटल है 9, टोटल है 22 बच्चे। इधर कितने होंगे? अब 22 में से आप 9 माइनस करिए, आपको मिलेगा 13, टोटल 13 होंगे। ये वाला पोजीशन जो है 9, ये वाला क्योंकि इसी का पूछा है, इस साइड से हो जाएगा 14वां स्थान। तो दाएं साइड से कौन से स्थान पे? 14वें स्थान पे। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार बैक जाइए, फिर से करिए, और अगला क्वेश्चन जो है उसको जरूर देखिए, फिर और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका पिछला क्वेश्चन में जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पे है
और विशाल दाएं से सातवें स्थान पे है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लें तो विशाल दाएं से 15वें स्थान पे हो जाता है। सो बताएं कि उस कतार में कुल कितने लड़के हैं। पिछले क्वेश्चन में एक और स्टेप आगे था, इसमें हम यहीं पे रोक देते हैं कि टोटल कितने लड़के हैं फाइंड करना है। तो देखिए, लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वां, यानी कि जब मैं इस साइड से काउंट करूंगा सो ये नंबर आएगा मेरा 15वां। यहां पे कौन है? अनिल। और विशाल दाएं से सातवें स्थान पे है। जब मैं इधर से काउंट करूंगा सो दाएं से सातवें स्थान पर है विशाल। अब क्या बोल रहा है? यदि वो दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो सीट तो वही है, बस फर्क यहां है कि विशाल यहां आ गया, विशाल जो है वो आ गया है ए मतलब अनिल की जगह, और अनिल चला गया है विशाल की जगह। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो विशाल दाएं से 15वां हो जाएगा, यानी विशाल कहाँ पे है? यहाँ पे है, क्योंकि अब विशाल यहाँ आ गया ना, तो ये वाली जो पोजीशन है ना दाएं साइड से 15वीं हो जाएगी। दाएं साइड से कौन सी हो गई? 15वीं। और सेम जब हमने इस साइड से काउंट किया था तो कौन से नंबर पे था? 15वीं। यानी कि ये जो पोजीशन है जब मैं इधर से काउंट करूंगा तो भी 15 है, और इस साइड से काउंट करूंगा तो भी 15 है। तो टोटल कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं? 15 प्लस 15 30, उसमें से एक गया तो मेरा बच गया 29, क्योंकि मैंने 15 लेफ्ट साइड से भी काउंट किया, 15 राइट साइड से भी काउंट किया, मैंने दो बार काउंट कर लिया टोटल एक ही पोजिशन को। सो एक माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 29। सो इस हिसाब से मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना ये वाला, ये अब आपका हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा पूछ लिया था। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बैक जाइए और इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर तथा क्यू दाएं से 17वें स्थान पर हैं। पी और क्यू के मध्य चार बालक हैं, सो पंक्ति में कितने बालक हैं? देखिए, जब मैं लेफ्ट साइड से काउंट करूंगा तो 14वें स्थान पे बैठा मिलेगा मुझे पी। अगर मैं राइट साइड से काउंट करूंगा तो मुझे 7वें स्थान पर बैठा मिलेगा क्यू। पी और क्यू के मध्य में चार बालक हैं, कितने बालक हैं? यहां से यहां तक, मध्य का मतलब बीच हो गया, इन दोनों को टच नहीं करना, चार। तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं? तो कितने हो गए? 14 पी की पोजीशन तक, चार उन दोनों के बीच में, और क्यू 7 तक, ये जी पीछे से 7वां। सो 14 और आप ऐसे लगाइए, 7 3 21, 21 4 25, तो टोटल कितने बालक बैठे हैं लाइन में? बालक बैठे हैं 25। आसान था ये, कंसेप्ट पे जाइएगा, ठीक है? कंसेप्ट बिल्कुल, बीच में बोला है पी और क्यू के बीच में चार। हाँ, इसमें एक डाउट हो सकता था आपको कि सर पी क्यू को क्रॉस भी तो कर सकता है ना, पी क्यू के आगे भी तो आ सकता है ना, यहां होता क्यू फिर बीच में चार बच्चे बैठे होते, बिल्कुल। लेकिन यहां पर वो सही नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में 25 मिल गया हमें। अगर मान लीजिए कि ये इधर बैठा होता ना, तो फिर जो टोटल बच्चों की संख्या है वो 14 से कम आती। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, क्लियर है? आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अभी जो हमने किया बिल्कुल वैसा ही है जो छठा नंबर का क्वेश्चन किया था, जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, यहाँ पे हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बच्चों की एक कतार में हरी बाएं से 11वें नंबर पे है, यानी इधर से काउंट करूंगा तो 11वें नंबर पे बैठा है हरी, और मंजुला दाएं से 17वें स्थान पे है। मंजुला कहाँ है? इस साइड से काउंट करूंगा तो कौन से नंबर पे है? 17वें स्थान पे। मैं मंजू लिख देता हूं, मंजुला की जगह। अब जब ये दोनों अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं सो हरी बाएं से 13वां हो जाता है। देखिए, दोनों ने स्थान बदल लिया, यानी हरी जो है वो अब यहां नहीं रहा, मंजू यहां आ गई और हरी यहां आ गया, ठीक है? तो हरी बाएं से 13वां हो जाता है।
यानी यही पोजीशन इस साइड से काउंट करने पे 13 है, इस साइड से काउंट करने पे 17 है। तो बताएं कि दाएं स्थान से मंजू किस, मंजू तो अब यहां चली गई ना मंजू। अब ये पूछ रहा है कि दाएं स्थान से, दाएं से मंजुला किस स्थान पर होगी। तो सबसे पहले तो आपको टोटल निकालना है, टोटल निकालना आसान है क्योंकि जो ये पोजीशन है जहां पे अब हरी है, लेफ्ट साइड से काउंट करने पे 13वें नंबर पे था, राइट साइड से काउंट करने पे 17वें नंबर पे, सेम ही सीट। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 17 प्लस 13 माइनस 1, बराबर 29। ये तो हमने पता लगा लिया टोटल बच्चे 29 हैं, लेकिन क्वेश्चन में ना ये नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि बताएं कि जो मंजू है वो कहाँ पे है। सो हमने ये तो पता कर लिया कि जो मंजू है वो इस पोजीशन पे है, और ये वाला पोजीशन इस साइड से काउंट करने पे 11 है। सो इस साइड से काउंट करने पे क्या होगा, क्योंकि आपको पूछा है दाएं साइड से बताइए। सो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, चलिए रफ नहीं करता, मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। इस साइड से इसकी पोजीशन पूछी है, तो 29 में मैं अगर 19 जोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा 30, और टोटल टोटल है 29, सो 29 से एक एक्स्ट्रा 30 ही आना चाहिए। कैसे, ये हमने डिस्कस काफी टाइम का काफी बार कर लिया है। तो दाएं साइड से मंजुला कौन से स्थान पे हो गई, 29। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो प्लीज आप बैक जाइए और एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब इसमें एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा इससे भी नेक्स्ट लेवल वाले हैं। सो अगले क्वेश्चन में ऐसे 5-6 क्वेश्चन हम करेंगे, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक आपने अगर देख लिया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।